चलियो आइए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मिडिल पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो समांतर भुजाओं समांतर उसके योग का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज है, तो कोई हम समलंब चतुर्भुज लेते हैं। ए बी सी डी, फिर क्या कह रहा है उसके असमांतर भुजा है, तो ये दोनों क्या हम ले लिए हैं, पैरेलल ले लिए, ठीक है। हम किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको भी ले सकते हैं, तो ज्यादा बेटर हो जाएगा कि हम इसको और इसको ले, ठीक है। तो असमांतर भुजा कौन है, ये है, इसके मिडिल पॉइंट है और इसके मिडिल पॉइंट है, ठीक है। मिडिल पॉइंट को जो मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो क्या होगी, समांतर भुजाओं के पैरेलल होंगे और इन दोनों के योग का आधा होगा। यही क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है। आइए सबसे पहले प्रूफ करने वाले लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी दिया हुआ है, सबसे पहले लिख देते हैं, गिवन डेटा आपको क्या है, ए बी पैरेलल सीडी, ठीक है। सिर्फ ये चीज आपको क्या दे दिया, ए बी पैरेलल सीडी और क्या है, पी एंड क्यू मिडिल पॉइंट है, किसके, ए डी एंड बी सी, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी जो होगा पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, और पैरेलल क्या हो जाएगा सीडी के, ठीक है। टेन हम क्या कर देंगे, यदि ए बी पैरेलल पी क्यू भी करते हैं तभी सही, पी क्यू पैरेलल सीडी भी प्रूफ करते हैं तभी सही, ठीक है। दोनों में से एक ही प्रूफ हो जाएगा तो अपने आप तीन हो जाएगा। और दूसरा चीज क्या कर रहा है कि ए बी प्लस सीडी का जो वाई हाफ होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के। चलिए अब आज आप समझ गए कि दिया क्या है, हमें प्रूफ करना है। अब आज ए बी पैरेलल पी क्यू प्रूफ करने के लिए, यानी सीडी पैरेलल पी क्यू प्रूफ करने के लिए आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, क्या ये नहीं ऐसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि कोई भी यदि कोई सिमेट्रिक है उसके जनरली क्या होता है, कोई भी यदि सिमेट्री है तो क्या होता है, उसके मिडिल पॉइंट यदि को दोनों मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो तीसरी भुजा के पैरेलल होती है, ठीक है। तो कैसे होगा इसमें प्रूफ कर लेते हैं, यदि नहीं प्रूफ करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहां पर हम कर्स लिख कर आगे बढ़ सकते हैं क्या, ठीक है। के बी पैरेलल पीक्यू होगा, क्यों, क्योंकि पी एंड टी मिडिल पॉइंट है। प्रूफ करना चाहते हैं देखिए इसमें हम क्या कहते हैं, प्रूफ करने के लिए हम क्या कर देते हैं कि P से कोई हम एक रेखाखंड ले लेते हैं, ठीक है। P से रेखाखंड हम कोई क्या ले लिए, PM, ठीक है। और जो रेखाखंड लिए उसे हम मान लेते हैं क्या कि PM जो होगा पैरेलल हो जाएगा किसके, CD के। ये हम क्या कहें मान लेते हैं, ठीक है, कि जो PM जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। तो जैसे ही PM पैरेलल CD हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PM पैरेलल AB भी हो जाएगा और पैरेलल सीडी भी हो जाएगा, ठीक है। पीएम किसके पैरेलल हो जाएगा, एबी के भी और सीडी के भी, क्यों, क्योंकि पीएम सीडी के पैरेलल और सीडी एबी के पैरेलल, इसमें पीएम ये दोनों को पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा होगा क्या, नहीं नहीं यदि थ्योरम नहीं पढ़ा तो जाकर 15 क्वेश्चन देख लीजिए, 15 क्वेश्चन में थ्योरम यूज होगा, वो थ्योरम इंजीनियर को समझने के लिए बताया गया है कि थ्योरम क्या होता है। यदि हम कोई डायग्राम खींचे, ठीक है, मान लीजिए कोई एक डायग्राम खींचे, ओके, जिसके तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो, ठीक है, क्या कहता है कि तीनों लाइन ए लाइन ए लाइन ए लाइन आपस में पैरेलल हो तो क्या हो जाते हैं, तो तीनों रेखा जो होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। यदि हम इसे यहाँ ए दे दें, यहाँ बी दे दें, यहाँ सी दे दें, यहाँ क्यू दे दें, क्यू दे दें, आर दे दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी हो जाएगा और पी क्यू बराबर क्यू बार हो जाएगा, ठीक है। किस केस में होगा, यदि तीनों पैरेलल होगा तब, तो यहां पर हम तीनों पैरेलल ले लिए हैं ना, तीनों पैरेलल लिए हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एपी जो हो जाएगा पीटी के बराबर हो जाएगा, और सेकंड केस में क्या हो जाएगा, बीएम जो होगा सीएम के बराबर, ठीक है। ऐसा नियम हमने थ्योरम में पढ़ा है, ठीक। मगर अब आप यहां पर देखिएगा तो क्या बीएम बीएम सीएम के बराबर है, बीएम सीएम के बराबर है, नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या दे दिया है कि बी क्यू सी क्यू के बराबर है, ठीक है। क्या है,
BQ जो है CQ के बराबर है। आप लोगों ने देखा ना कि Q जो है मिडिल पॉइंट है किसका, BC का। तो इसमें क्या मिलेगा, ये गलत है ना। इसका मतलब क्या मिलेगा कि जो PM जो लाइन खींचे हैं वो CD के पैरेलल नहीं होगा। यदि CD के पैरेलल है तो P से कोई तो एक लाइन खींची जाएगा ना जो इसके पैरेलल हो गई, तो कौन रहेगी जो बराबर होगी। अभी हम देखे ना कि यदि वाइसवर्सा भी हो सकता है क्या, यदि AB बराबर CD है तो, और यदि PQ बराबर QR है तो भी क्या हो जाएगा, तीनों लाइन आपस में पैरेलल। ओके, यहां पर क्या हो गया, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। अब इसे हम मिटा देते हैं, इसका कोई जरूरत तो है नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बाबू, AB जो है पैरेलल है किसके, PQ के, और पैरेलल है किसके, CD के। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कैसे पैरेलल है। तो जब पैरेलल आए तो फिर कुछ नहीं करना है, अब फिर क्या करते हैं, कोई एक विकर्ण मिला देते हैं, या तो B से D मिला देते हैं या तो A से C मिला देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, B से D मिला देते हैं। कटान बिंदु को कुछ नाम दे दीजिए, क्या दे देते हैं, AB दे देते हैं। अब किसमें चलते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में आपको क्या पता है, पी मिडिल पॉइंट है, पी क्या है बाबू, मिडिल पॉइंट है किसके, ए डी का, और पीएम जो है पैरेलल है किसके, ए बी के। ठीक है, ए बी जो है ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है ना, इसके बीच में कोई भी छोटा सा भी रेखा खींच लेंगे वो क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल भी होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीएम होगा एबी के पैरेलल हो जाएगा। तो पीएम एबी के पैरेलल है और एक मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब क्या निकल जाएगा, एम भी क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट किसका, बीडी का। ठीक है, और क्या हो जाता है, यहां से एक चीज और हम निकाल लेंगे, क्या सेकंड क्वेश्चन को प्रूफ ही तो करना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं पर प्रूफ हो जाए, ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल सीडी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए बी प्लस सीडी बाई टू पी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे तो पीएम को हम लिख सकते हैं, पीएम बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ये भी हो जाएगा ना, आप जानते हैं ना कि जो मिलाने वाली रेखा होती है तीसरी भुजा क्या होती है, आधा होती है और पैरेलल होती है। तो पीएम ए बी के पैरेलल है, हुए पीएम हाफ। अब आ जाइए आगे, इस ट्रायंगल ट्रायंगल बी सी डी में, तो ट्रायंगल बी सी डी में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्यू मिडिल पॉइंट हो जाएगा। क्यू मिडिल पॉइंट है और आई एम एम तो मिडिल पॉइंट है, ये है तो यहां पर हम कुछ नहीं करना है, सब कुछ तो आपको मिला ही हुआ है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, एम क्यू बराबर हाफ। ठीक है, एम क्यू क्या हो गया हाफ। अब आ जाइए, आप पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, आप पी क्यू को क्या लिखेंगे, एम पी प्लस एम क्यू, एम पी प्लस एम क्यू। एम पी क्या है, एम पी यहां पर आ जाइए, एम पी आर पी एम हाफ एम पी, और एम क्यू क्या है हाफ बी सी, तो एम पी प्लस बी सी वन पी क्यू था ना। एम पी प्लस एम पी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको एक 16 का ये क्लियर हो। अब आते हैं 16 के, 16 का बी क्या कह रहा है, के बी सी डी एफ समानांतर त्रिभुज है। ठीक है, भुजा ए बी भुजा सी डी के समानांतर है। ठीक है, पर ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है। यदि भुजा बी सी पर बिंदु जी इस प्रकार हो, भुजा बी सी पर बिंदु जी इस प्रकार हो, रेखाखंड ईजी ईजी जो होगा भुजा बी सी के पैरेलल है, रेखाखंड ईजी जो है भुजा बी सी के पैरेलल है, सॉरी भुजा बी सी के यानी सी डी के। तो सिद्ध कीजिए कि ईजी बराबर हाफ ए बी प्लस बी सी, तो कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में बाबू, क्या
ईडी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एबी प्लस डीसी। तो कुछ नहीं करना है, उस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ पी के जगह पर पी लिख दीजिए, जी के जगह पर क्यू लिख दीजिए, फिर तो बाकी तो बाकी वही है। क्योंकि आपको पूरा चीज दे दिया है क्वेश्चन में, क्या दे दिया है कि जी पैरेलल है सिटी के, ठीक है। यदि आप अलग से बनाना चाहते हैं इस क्वेश्चन से, तो आप गिवन दैट में क्या लिख दीजिएगा, ईजी पैरेलल सिटी है, ठीक है। और आपको क्या पता है ये और सी मिडिल पॉइंट आपको दे दिया है, ई भी मिडिल पॉइंट है और जी भी मिडिल पॉइंट है, नहीं सिर्फ ई दे दिया है आपको बाबू, नहीं जी नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है, सिर्फ ई दे दिया है क्या, मिडिल पॉइंट है। कुछ नहीं करना है, ट्रायंगल किस में करते हैं, ट्रायंगल एबीडी में, कटान बिंदु को प्रूफ को नहीं हम नाम दे देते हैं, क्या हो जाएगा, ई मिडिल पॉइंट है, और ईएम पैरेलल है सीडी के, सॉरी एम पैरेलल है एबी के। डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ईएम जो होगा हाफ एबी, और एम भी जो होगा मिडिल पॉइंट किसके, बेटी का। पुनः चलते हैं ट्रायंगल बीसीडी में, एम क्या है, एम मिडिल पॉइंट है, बीटी का एम जी पैरेलल है सीटी, डायरेक्ट लिख सकते हैं जी मिडिल पॉइंट होगा बीसी का, और दूसरा क्या हो जाएगा, एम जी बराबर हाफ सीटी। जैसे ही इतना आ गया, ईजी को क्या लिख सकते हैं, एम ई प्लस एम जी बराबर क्या हो जाएगा, ईजी एम ई को क्या, एम ई आई एम दोनों एक ही है, तो हाफ एम बी एम जी बराबर क्या हो जाएगा, हाफ सी बी, यहां पर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी बाई टू ग्रुप करना। इस क्वेश्चन में सिर्फ 16 का ये समझना, 16 का बीच में समझ, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पर। सिद्ध करें कि वह सरल रेखा जो समलंब चतुर्भुज के एक समांतर एक असमांतर भुजा के मध्य बिंदु से समांतर भुजाओं का समांतर रेख खींची गई है, तो दूसरी असमांतर भुजा को समद्विभाजित करें। ये जस्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे दिया है, यदि शिक्षित का ए और बी समझ में, तो इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कैसे से देख लीजिए, जिस तरह से 16 का बी पढ़े थे उसी तरह से है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो कहिएगा कि बताए हैं। एबीसीडी क्या है, कोई ट्रेपेजियम है, पुनः क्या कह रहा है कि असमांतर को एक भुजा से क्या कर रहा है, तो रेखाखंड खींचेगा, ठीक है। एक भुजा से हम रेखाखंड को पी क्यू खींच लिए, ठीक है। और क्या दे दिया है कि पी क्यू पैरेलल है सीडी के, पी क्यू पैरेलल सीडी पैरेलल एबी आपको दे दिया है, और क्या दे दिया है कि मिडिल पॉइंट है किसका, एडी का, ठीक है। आपको अब प्रूफ क्या कर देना है कि क्यू भी जो हो जाएगा मिडिल पॉइंट हो जाएगा किसका, बीसी का, एक प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, एक काम करते हैं कि इस बार एएसएससी को नहीं आ जाते हैं, ठीक है, इसे नाम देते हैं। तो ट्रायंगल बन गया एक ए और एक ए, ट्रायंगल एसीडी में, ट्रायंगल एसीडी में आपको क्या पता है, पीएम पैरेलल सीडी और पी मिडिल पॉइंट है किसका बाबू, एडी का। ये जैसे मिडिल पॉइंट हो जाएगा, पीएम सीडी के पैरेलल है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, एम मिडिल पॉइंट हो जाएगा किसका, एसी। फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड में चलते हैं ट्रायंगल ए बी
सी में। एबीसी में आपको क्या पता है कि एम मिडिल पॉइंट है एसी का, एम क्यू पैरेलल है एफ बी, डायरेक्टली दीजिए क्यू मिडिल पॉइंट थ्योरम। सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का रियल साइड क्या हो, किसी भी ट्रायंगल में यदि मध्य बिंदु से एक भुजा दूसरे भुजा की ओर खींची गई है और वह तीसरी भुजा के समानांतर हो तो क्या हो जाती है, जो खींची गई है उस रेखा को भी समद्विभाजित करते हैं, यानी क्यू मिडिल पॉइंट होगा किसका, बीसी का। एक क्वेश्चन तो आई होप आपको क्लियर।